चूरू गोगा नवमी के अवसर पर चूरू प्रत्याशी तनवीर खान जी ने गोगा भक्तों का किया स्वागत। ओबीसी प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक तनवीर जी मेरे साथ हैं, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं, और यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल देखने को मिल रही है। जितने गोगा भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, जो निशान लेकर आ रहे हैं, उन सबके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर सुंदर स्मृति चिन्ह इन्होंने बनवाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इनका तनवीर खान जी का नाम है, आईसीसी सदस्य, और साथ में सभी का आप देख रहे हैं साथ में पकड़े पहनाकर सबका स्वागत किया जा रहा है। आज देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो धर्म निरपेक्षता की बात करें, क्योंकि गोगा जी महाराज जो है वो सांप्रदायिक सद्भावना के भगवान माने जाते हैं। आज भी गोगा मंडी में आप जाएंगे तो ब्राह्मण भी वहाँ पूजा करा है, तो मुस्लिम भाई भी आपको यहाँ पर पूजा करा है, और चूरू की सांप्रदायिक सद्भावना ऐसे लोगों के कारण जीवन ऐसा बहुत बड़ी संख्या में लोग यही हमारा देश है। इस देश की संस्कृति ऐसी मौकों पर नजर आती है, जिस देश में रहने के बाद ऐसी यह नजर आती है। शांति का प्रतीक है, जिससे कुदर जिसको कहते हैं उस पार्टी का निशान है। बच्चों के साथ बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत बेहतरीन। सर आप भी प्यार और मोहब्बत बांधने में देख रहे हो, बहुत सारे मोमेंटो आप देख रहे हैं, बहुत सारे सब है, तो किन लोगों का स्वागत सम्मान किया जाएगा? मैं तो पूरे चूरू में मेरे को तो अच्छे में तो प्यार मोहब्बत ही बांट रहा हूँ, गोगा जी महाराज सब जाति धर्मों के जो आप पूजे जाते हैं, गोगा में जाइए, नदरेवा जाइए, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ हैं। बोलो गोगा जी महाराज की, बोलो गोगा जी महाराज की। धन्यवाद। चूरू की तो मिसाल है कि पूरे देश में चूरू में जो मोहब्बत है ना, मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। और चूरू में जितना मजा घाट पे शेर पे मैं सब जगह जा रहा हूँ, सब नहीं जा रहा हूँ, बेहतरीन मोहब्बत है और मोहब्बत बांटने के लिए हम लोग आगे आए। और गोगा जी से बढ़िया कोई स्थान नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतीक है गोगा जी का। आप लोग मेरा मानना है प्यार मोहब्बत सब कुछ यही होती है। इस देश के अंदर हमारे सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, इस देश में मैसेज है कि मोहब्बत, जिसका नाम राहुल गांधी ने दिया है कि राहुल दुकान मोहब्बत की दुकान, वो इस पेड़ से शुरू होती है और इसको त्यौहार को बनाते हैं। ये ऐसा त्यौहार है जो ये नहीं कह सकते आप किसी मुस्लिम त्यौहार है या हिंदू त्यौहार है, किस कौन का त्यौहार है। और ये चूरू का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा यात्रा पर्व है, यहाँ सभी जो वो भक्त योगा भक्त आते हैं उनका यहाँ पर विधानसभा के अंदर जबरदस्त नहीं कर सकते। और हमें इसलिए आया कि ये सब एक परिवार है, इसलिए सबसे मिला करिए।
जस्ट खड़े करने लगे।